नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं जिग्नेश पटेल, धोरण 6, गुजराती माध्यम, विषय हिंदी, प्रकरण 1, दयालु शिकारी, पार्ट 2। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में दयालु शिकारी के बारे में उसकी कहानी को समझा था। हमने चित्र भी देखे थे, चित्र के आधार पर हमने एक कहानी बनाई थी। तो चित्र को देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की गई है और दयालु शिकारी पाठ में शिकारी हिरनी के प्रति कैसा व्यवहार करता है, ये सभी के बारे में आपको पता ही है। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 में प्रश्नों देखेंगे। तो देखो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा? तो दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए कि आपने कौन कौन से पशुओं को देखा। तो आपने बहुत सारे पशुओं को देखे होंगे, तो मैं उसका आंसर मैं अपने हिसाब से देता हूँ। तो मैंने इन पशुओं को देखा है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट आदि पशुओं को देखा है। तो ये सभी पशुओं को हमने देखे हैं, आपने भी ये सभी पशुओं को देखे होंगे। अगर दोस्तों आपको इससे भी अधिक पशुओं को नाम याद आए, आपने देखे होंगे, तो वह भी आप लिख सकते हो। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते? तो जानवर तो हमने बहुत सारे देखे हैं, तो उसका आंसर देखते हैं। जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, स्यार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। तो हमने ये सभी जानवर जंगल में देखे थे। अगर आपने भी इस जो आंसर में नाम दिए गए हैं उसे अधिक देखे हों हैं, तो आप उसे भी लिख सकते हो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो दोस्तों, आप चित्र में देखा था, उसे देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हिरनी के समीप जाकर शिकारी क्या देखता है। तो आइए हम उसका आंसर देखते हैं। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? तो दोस्तों, अगर किसी मनुष्य को चोट आती है तो हम कहाँ जाते हैं, उसे कहाँ ले जाते हैं? मनुष्य के अस्पताल में ले जाते हैं। उसी तरह पशुओं का भी अस्पताल होता है। तो देखते हैं उसका आंसर। शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? तो दोस्तों, आपने चित्र में देखा कि शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया,
और क्यों किया? तो उसका आंसर हम देखें, शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो दोस्तों आपको शिकारी के बारे में पता ही है कि जो मांस भक्षी होता है, जो मांस खाता है, अक्सर वो ही पशुओं का शिकार करता है। तो देखते हैं उसका आंसर, शिकारी हिरनी का मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो उसका आंसर हम देखते हैं, गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी और उसके शावक को पशुओं के अस्पताल में ले गया। तो ये जब हमने जो प्रश्नों के आंसर लिखे हैं वह आपको एक नोट में लिखना है। तो आज के लिए हम इतना ही पर्याप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो वाक्य वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, MCQ, ये सभी प्रश्नों के आंसर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।